नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर विज्ञान एग्जाम में आती है, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो याद रखना ऑक्सीजन के छिड़काव से अनेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो याद रखना कहां, माइटोकांड्रिया में। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकांड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित परक्रम है, कौन सा प्रासरण है, तो सी होगा राइट आंसर, प्रासरण। नेक्स्ट है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। फ्रेंड्स ये रिवीजन टेस्ट, स्पीड टेस्ट, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, और याद रखना जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इस वीडियो से कम 5 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, जीवित प्रतिरक्षियों का, याद रखना। नेक्स्ट है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो एंट अमीबा है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, एंट अमीबा, याद रखना। नेक्स्ट है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेक्स्ट दिया है कि सबसे अधिक आयरन लोहा किस में पाया जाता है, तो याद रखना हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है सबसे अधिक आयरन, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, हरी पत्तेदार सब्जियां बी होगा राइट आंसर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आना और दांत हिलने लगते हैं, किस कारण से, तो विटामिन सी की कमी के कारण से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, विटामिन सी का केमिकल नेम स्कर्वी कमल होता है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग दांतों और मसूड़ों का। ठीक है, नेक्स्ट है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, कौन सा, तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखना अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अग्नाशय, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, किस कोशिका से होता है इंसुलिन स्रावित, तो फ्रेंड से बीटा कोशिका से होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बीटा कोशिका से। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह से कार्य करती है, कौन सी करती है, अग्नाशय ग्रंथि करती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय। नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो अधिवृक्क करता है रक्तदाब का नियंत्रण, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अधिवृक्क। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो याद रखना आप लोग जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, एड्रेनल ग्रंथि से होते हैं, ए होगा राइट आंसर, एड्रेनल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो फ्रेंड्स एड्रेनलिन हार्मोन लड़ो ओडो हार्मोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, एड्रेनलिन, याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो याद रखना एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, तो लैक्रिमल ग्रंथि करती है अश्रु स्रावित, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, थाइमस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? कौन सी कर सकती है? प्राउटो कर सकती है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, प्राउटो, याद रखना आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, दिया क्या गया है, स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो याद रखना, स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा क्षेत्र कहलाता है अस्कुलम। क्या? अस्कुलम कहलाता है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, अस्कुलम। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है फ्रेंड्स, मधुमक्खियों का पालन, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, एपीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किस में? संपन्न होती है माइटोकांड्रिया में, संपन्न होती है श्वसन की क्रिया, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, माइटोकांड्रिया में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो याद रखना, यूरिया होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यूरिया। नेक्स्ट, नेफ्रोन का संबंध किससे है? नेफ्रोन का संबंध किससे? वृक्ष से है नेफ्रोन का संबंध, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, वृक्ष, याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो याद रखना आप लोग, अनुवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, अनुवाहिनी में। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ट्यूबिक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? फ्रेंड्स, मोस्ट रिवाइज क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो याद रखना, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? मेलानिन करता है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, मेलानिन। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में कहां रक्त नहीं पाया जाता? कहाँ नहीं पाया जाता? तो आप लोगों फ्रेंड्स याद रखना, कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता है, वही ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, कार्निया। तो चलिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, देखिए, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। देखिए, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुमति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? किस में स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुमति कराने के केंद्र, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो सेरेब्रम होता है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, सेरेब्रम सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? किन में होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है, याद रखना, सबसे कम पुनर्योजना शक्ति, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? किस में पाई जाती हैं? ओ वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किस में नहीं पाई जाती? ए बी वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो याद रखना आप लोग, अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? कितने दिन तक जीवित रहती हैं? तो याद रखना आप लोग, 120 दिन तक जीवित रहती हैं
शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एरिथ्रोसाइट्स। देखेंगे नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन करता है? तो WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर WBC। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, किसको कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है फ्रेंड्स एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, संक्रमण के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं व्हेल के हृदय में, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, चार चैम्बर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे विशाल जीवित स्तनपाई कौन सा है? सबसे विशाल जीवित स्तनपाई कौन सा है? तो नीली व्हेल है सबसे विशाल जीवित स्तनपाई, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, नीली व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? तो आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, चमगादड़ में पाया जाता है लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, चमगादड़। नेक्स्ट है, अंडा देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो इनमें से है प्लेटिपस, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, प्लेटिपस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखी किस स्तनधारी की होती है? किसकी होती है? तो हिरण की होती है सबसे बड़ी आंखें, सबसे बड़ी आंखें, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, हिरण। देखेंगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो याद रखना आप लोग, चमगादड़ है नियत तापी प्राणी, ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, ठीक ना। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़ है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कौन? कंटक चूहा हो जाता है खतरे के संकेत के समय गेंद के समान, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, कंटक चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं बिल्ली की आंखें रात में, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, टेपिटम लूसिडम के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। देखिए, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में होता है आयोडीन, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती हैं? कहाँ स्थित होती हैं पीनियल ग्रंथि? मस्तिष्क में, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, मस्तिष्क में स्थित होती हैं पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? तो लुइस था, ये आप लोग याद रखना, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, लुइस, याद रखना, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? लुइस था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है और ये मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, और ये सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, यानी ए ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है बच्चों का लिंग निर्धारण, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, पिता से।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सेडिमा होता है, किसकी कुसंक्रिया के कारण होता है मानव शरीर में मिक्सेडिमा, तो याद रखना आउटु ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, आउटु ग्रंथि। नेक्स्ट है, रेशम पालन क्या कहलाता है, रेशम पालन कहलाता है सेरिकल्चर, क्या फ्रेंड्स सेरिकल्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर सेरिकल्चर। देखेंगे नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है, स्नायु तंत्र का किया जाता है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर स्नायु तंत्र, ये याद रख लेंगे ठीक है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन, तो याद रखना मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में, किसमें मायोलॉजी में करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मायोलॉजी। नेक्स्ट है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कौन होते हैं शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप लोग इस वीडियो से कम 5 क्वेश्चन पाएंगे एग्जाम में, 5 क्वेश्चन कम से कम। देखिए पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो फ्रेंड्स रीडर को जाता है, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर रीडर को जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, किसके उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है सीड थेरेपी, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर कैंसर। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है, किस विटामिन का योगदान होता है, विटामिन के का योगदान होता है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है, तो याद रखना कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम फोसिपरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, प्रोटोजोन में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर प्रोटोजोन। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है, किस भाग में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है ग्लाइकोजन, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर यकृत। देखेंगे नेक्स्ट है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर ग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं, किससे हैं, ब्लड शुगर से संबंधित हैं, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर ब्लड शुगर। देखेंगे नेक्स्ट है, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है, किस बीमारी के इलाज के लिए, HIV के लिए बनाया गया है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर HIV ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट है, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेट लिस्ट जारी करता है, कौन सा संगठन करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेट लिस्ट जारी, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो हेलोफाइटा कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर हेलोफाइटा ठीक है। नेक्स्ट, आर्कियोपटेरिक्स किनका संयोजक था, किनका संयोजक था आर्कियोपटेरिक्स, तो सरीसृपों व पक्षियों का, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर सरीसृपों पक्षियों का संयोजक था आर्कियोपटेरिक्स। देखेंगे नेक्स्ट है, जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है, तो उत्परिवर्तन होता है जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर उत्परिवर्तन। देखेंगे नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर उत्परिवर्तन, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, अधिरक्त स्राव है, क्या है अधिरक्त स्राव, तो याद रखना एक अनुवांशिक विकार होता है अधिरक्त स्राव, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर एक अनुवांशिक विकार। देखेंगे नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी फ्रेंड्स, याद रखना श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है ल्यूकेमिया में, याद रखना ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, जी हाँ
थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करते, किसको करती है, खून को प्रभावित करते थैलेसीमिया बीमारी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, ठीक है ना। थैलेसीमिया जो बीमारी है ये एक वंशानुगत बीमारी होती है और ये खून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोसोम होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स एलोसोम, ये लिंग गुणसूत्र होते, क्या लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है, कौन सी होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, यानी ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपयुक्त सभी याद रखना। नेक्स्ट है, मानव का जैविक नाम क्या है। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। देखिए मानव का जैविक नाम क्या है, तो याद रखना होमो सेपियंस है मानव का जैविक नाम, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, इनमें से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, कौन सा नहीं, मछली एक स्तनधारी नहीं है, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है, तो याद रखना स्तन ग्रंथियां, चार कोष्ठी हृदय और स्वेद ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। देखेंगे नेक्स्ट है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है, तो उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है हमिंग बर्ड, कौन है, हमिंग बर्ड है उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, हमिंग बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है, तो ऑस्ट्रिच है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया, चार्ल्स डार्विन ने बनाया नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, किसने किया था, एफजी बेंटिक ने किया था मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार, ए होगा राइट आंसर, एफजी बेंटिक ने, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक व्याधि है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमरत्व का गुण किस में पाया जाता है, तो अमरत्व का गुण पाया जाता है फ्रेंड्स हाइड्रा में, किस में, हाइड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, हाइड्रा में। नेक्स्ट है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो टेंट किल्स है हाइड्रा का प्रचलन अंग, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, टेंट किल्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाओ क्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, मोर का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, मोर। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन, तो फ्रेंड्स स्तने में किए जाते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, स्तने में याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, किस जंतु में नहीं होती अश्रु ग्रंथि, तो घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, घड़ियाल। नेक्स्ट है, सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो याद रखना पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, पाषाण मछली, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शारीरिकी कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, शारीरिकी याद रखना। नेक्स्ट है, खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, कवक है, याद रखना, ठीक ना, खुजली का रोग स्केबीज का कारण है कवक, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, कवक। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है, कवक से उत्पन्न होती है एथलीट फुट नामक बीमारी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, कवक। नेक्स्ट है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा, पेनिसिलिन, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, पेनिसिलिन याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कौन सा है, तो कैम्बियम है द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है किससे,
कोर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है व्यापारिक कोर्क, ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गई हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, और जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।